अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुस्ल के टॉपिक के अंदर, गुस्ल जनाबत में जो हम देख रहे थे कि शर्मगाह धोने तक हम पहुँचे थे, इससे अगला स्टेप है शर्मगाह धोने के बाद जब हाथ धोते तो फिर वजू फरमाते। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस में बयान करती हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल जनाबत फरमाते तो आप सबसे पहले हाथ धोते फिर वजू फरमाते, जैसा नमाज के लिए वजू फरमाते। अब ये मुकम्मल हदीस नहीं है, ठीक है, इसीलिए स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को गुस्ल सिखलाया जा रहा है। अब नमाज का वजू से रिलेटेड इसी तरह इसी मुस्लिम की रवायत में है कि अपनी शर्मगाह को धोते फिर वजू फरमाते, ठीक है। इसी तरह इससे अगले हदीस में आपने कुली की, नाक में पानी डाला, अपना चेहरे और बाजू धोए, फिर सर पर पानी डाला, सारे जिस्म पर पानी बहाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से हट कर पाँव धोए, ठीक है। इससे पता, ये हट के पाँव इस वजह से धोए गए क्योंकि नीचे मिट्टी होती थी, कीचड़ हो जाता था, ठीक है। इससे अगली हदीस है कि दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोए, कुली और स्नान करे, चेहरे और बाजुओं को 3 दफ़ा धोए, हत्ता कि जब सर तक पहुंच जाए तो मसा ना करे बल्कि सर पर पानी डाले, ठीक है। इसी तरह इससे अगली हदीस अब्दुल्ला बिन उमर से कि फिर कुली की करते, नाक साफ करते, फिर अपने चेहरे को धोते, अपनी आँखों में छींटे मारते, फिर अपने दायां हाथ बाजू धोते, फिर बायां हाथ कोहनी तक धोते, फिर सर को धोते, फिर बाकी सारे बदन पर पानी बहा कर गुसल करते, ठीक है। तो 3-3 बार समझ लें कि आपने करना है, ठीक है। बाकी जो वजू से रिलेटेड मुकम्मल है उसके लिए आप साउथ अल ईमान कुरान और हदीस लेक्चर जो हैं वजू से रिलेटेड तमाम प्लेलिस्ट ऊपर पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, जिसको चाहिए हो तो वो रब्ता भी कर सकता है। इससे अगली हदीस में क्या, फिर जहाँ नापसंदीदा चीज़ लगी होती है उसे दाएं हाथ से पानी डालकर बाएं हाथ से धोते, यानी कि नापसंदीदा चीज़ को बाएं हाथ से खुरचना है, ठीक है, अगर वो जिस्म पे लगी रह गई, ठीक है। इससे अगली हदीस में क्या, फिर दाएं से पानी डालते और बाएं से अपनी शर्मगाह धोते, जब उससे फारग होते तो दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर दोनों हाथों को धोते, तो इससे पता लगा कि बाएं हाथ को और दाएं हाथ को दोनों को बाद में धोना चाहिए शर्मगाह धोने के बाद। इससे अगली हदीस में भी इसी तरह है कि रानों पर जो कुछ होता उसे धोते, ठीक है। इससे अगली हदीस में है कि उसे धोकर अपनी शर्मगाह को धोते, हाथों को धोकर, ठीक है। मौत बाब मालिक, ये इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में, ठीक है। इससे अगली हदीस में हज़रत उमर से, ठीक है, वो कहते हैं कि पानी डाले फिर अपने दाएँ हाथ बर्तन में डालकर अपनी शर्मगाह पर पानी डाले और बायां शर्मगाह पर हो, उससे उसकी आलूदगी धोए, हत्ता कि उससे बिल्कुल साफ़ कर दे, फिर अगर चाहे तो अपना बायां हाथ मिट्टी पर मले, फिर बाएं हाथ पर पानी डालकर उसे अच्छी तरह साफ़ करे, फिर दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोए। अब इससे यह पता लगा कि शर्मगाह को आपने रगड़कर अच्छे तरीके से बाएं हाथ से धोना है, ठीक है, दायां हाथ नहीं लगाना, बाएं हाथ से धोना है, और बाद में फिर मिट्टी या ऐसी चीज़, साबुन या जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उससे आपने दोनों हाथों को दोबारा 3 दफ़ा धो लेना है, साफ़ कर लेना है। अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक हमें हदायत दे, हदायत का ज़रिया बनाए, अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह पाक से हम पनाह मांगते हैं तमाम बुराइयों से, शैतान से, मुनाफिकीन से, तमाम गुरूर तकब्बुर से और ऐसी तमाम चीज़ों से जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाने वाली हैं, अज़ाब की तरफ लेके जाने वाली हैं। अल्लाह पाक हमें अपनी पनाह अता फरमाए। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ हासिल करने के लिए, पैगाम हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।